हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आपका पेपर खत्म हो चुका है और इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, एक्साइटमेंट होती है यार एज अ स्टूडेंट की क्या मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ। पास तो डेफिनेटली हो जाओगे लेकिन मार्क्स जानने की बहुत जल्दी होती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने मार्क्स कैलकुलेट करना सीखेंगे एक्यूरेटली, तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत मजा आने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है यार, आप एग्जाम देते हो, आपकी कॉपियों के साथ क्या होता है ये जान लो। आप जैसे ही कॉपी सबमिट करते हो ना, उन कॉपीज को सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, सबसे पहले कुछ टीचर्स को वो सेलेक्ट करती है अलग अलग स्कूलों से। कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं सीबीएसई की कॉपी चेकिंग प्रोसेस के लिए, तो उन्हें वो सेलेक्ट करती है और सीबीएसई कुछ सेंटर्स डिसाइड करती है कि इन इन सेंटर्स पे कॉपी हमारी चेक होगी। और उन सेंटर्स पर उन टीचर्स को रखा जाता है, उनकी टाइमिंग होती है 10 से 4 के बीच में एक टीचर को लगभग 20 से 25 कॉपियां चेक करनी होती है। अब बात ये आ जाती है हमारी यार कि जब 20 से 25 कॉपियां एक टीचर को चेक करनी होती है एक दिन में, और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 18 लाख स्टूडेंट्स इस बार 2020 के एग्जाम में, केवल क्लास 10th की बात कर रहा हूं, केवल क्लास 10th में 18 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो हमारा अभी क्या है कि पूरा ये प्रोसेस मार्च में पूरा चलने वाला है कि मार्च तक तो केवल कॉपी सबमिशन, फिर सीबीएसई बोर्ड को भेजना, ये प्रोसेस में हमारा टाइम निकल जाता है। बचा हुआ हमारा अप्रैल और मई का आधा, क्योंकि हमारा 18-20 की मई के बीच में हमारा रिजल्ट आ जाता है 10th और 12th दोनों का लगभग। तो एक महीने के बीच में उन टीचर्स को 18 लाख कॉपियां, और टोटल तो 30 लाख कॉपियां होती हैं क्लास 12th की भी अगर मैं मिक्स कर लूं तो टोटल हमारे पास 30 लाख कॉपियां हैं, और 30 लाख कॉपियों के लिए टीचर्स बहुत कम है। तो इस समय सबसे मेन चीज जो काम आता है वो ये है कि हमने कॉपी प्रेजेंट कैसे किया है। मैंने आपको लास्ट टिप दिया था, मैंने कहा था कि कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉपीज के आंसर नंबर के सीरियल चेंज कर दे रहे हो ना, आप आंसर नंबर 3 को पहले लिख दो, आंसर नंबर 1 को बाद में लिख दो, फिर आंसर नंबर 21 को बीच में लिख दो, तो इससे क्या होता है 10 या 20 कॉपियां तो वो बहुत सही चेक करता है, मार्किंग स्किप के अनुसार चेक करता है। लेकिन उसके बाद उसको होने लगती है इरिटेशन, और अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली अगर आपका कॉपी 21 नंबर पे आ गया तो क्या करोगे यार, वहां पर काम आता है हमारा प्रेजेंटेशन। हमने कितनी अच्छे से प्रेजेंट किया अपने कॉपी को, अंडरलाइन दिया है, हेडिंग दी है, हमने ओवर फिगरेटिव प्रेजेंटेशन किया है कि नहीं, तो ये सब बात हमारे कॉपी चेकिंग प्रोसेस में आती है। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई, अब आपको ये जानना होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं जो आप एग्जाम देके आए हो। तो यार एक बात जान लो कि जो सीबीएसई के टीचर्स होते हैं जो वहां पर कॉपी चेक करते हैं, उनको सीबीएसई एक अपनी मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करती है कुछ डॉक्यूमेंट के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आपको करना क्या है। उन इंस्ट्रक्शंस में होता है, अभी मेरे ही अगल बगल के कॉन्टैक्ट में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कॉपी चेक करने जाते हैं तो वो बताते हैं, उनको डॉक्यूमेंट में मिलता है इंस्ट्रक्शन। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी कॉपी जब चेक होने के लिए जाती है तो रोल नंबर और नेम वाला पेज हटा दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड कोड सीबीएसई अलाउ कर देती है आपकी कॉपी के लिए जो कि कॉपी चेकिंग में जाती है, ताकि जो हमारा कॉपी चेकिंग प्रोसेस है ना वो एकदम फ्री और फेयर मैनर में हो सके, बिल्कुल भी कोई भी एकदम डिसऑनेस्टी या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। तो वहां पर जाने के बाद क्या होती है, हमारी कॉपीज को मार्किंग स्कीम प्रोवाइड किया जाता है, और उस मार्किंग स्कीम में, जैसे आपके सामने मैं एक मार्किंग स्कीम दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में पूछा है, सोशल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा है कि डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग मैसेकर, आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है, और मार्किंग स्कीम में इसका आंसर 4 पॉइंट्स में दिया गया है। अब इन 4 पॉइंट्स को अगर आप पैसेज वाइज भी लिख देते हो, पॉइंट वाइज नहीं लिखते हो, इन 4 पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं तो मोस्ट लाइकली आपको फुल मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कितने वैल्यू पॉइंट्स अपने आंसर में डाले हैं, जितने ज्यादा वैल्यू पॉइंट्स आपने डाले हैं उतना ज्यादा फुल मार्क्स मिलने की हमें गारंटी होती है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि नहीं मैंने तो इतना किया था और मुझे कम मार्क्स मिला, और कई ऐसे भी होते हैं यार मैंने तो इतना ही किया था मुझे इतने मार्क्स मिल गए। तो ये सब फंडा वही मार्किंग स्कीम का है कि
तुमने जो है वैल्यू पॉइंट्स नहीं लिखे और उस बंदे ने जिसने ज्यादा मार्क्स पाए उसने वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं, तो टोटली हमारा मार्क्स डिपेंड करता है उसी वैल्यू पॉइंट पे। तो हो आपको क्या करो, आपके क्वेश्चन पेपर का कहीं ना कहीं आंसर की मिल जाएगा आपको। जैसे हम मैंने इंग्लिश के लिए मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 आंसर की प्रोवाइड किया है, वहां से चेक करो कि आपने जो वैल्यू पॉइंट्स एग्जाम में लिखा है वहां पे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तब तो भाई तुमने फोड़ डाला है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो मान के चलो कि वो पूरे एग्जामिनर के ऊपर है आपने कॉपी कैसे प्रेजेंट की है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स इतने सारे, टीचर्स कम, उन्हें फ्रस्ट्रेट भी कर देती हैं कुछ कुछ कॉपियां जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, जो सीरियल वाइज नहीं लिखते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने सीरियल वाइज नहीं लिखा तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉपी प्रेजेंटेशन में कि आपने कॉपी कैसे प्रेजेंट किया है। अगर आपने कॉपी अच्छे से प्रेजेंट किया है तो मोस्ट लाइकली आप फुल मार्क्स के लायक हो। तो हमारे क्लास 10th में क्या हुआ था यार, हमने क्लास 10th में जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतने मार्क्स हमें मिले थे। मतलब थोड़ा सा केयरलेसली चेक हुई थी कॉपी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें मैंने गलत कर दी थी, वैल्यू पॉइंट्स मैंने नहीं डाले थे, फिर भी मुझे फुल मार्क्स मिले थे। तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर क्लास 10th में हो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ये 90 to 95% तय है। फेल होने का तो कोई चांस नहीं है, इसका तो टेंशन ही मत लेना। क्लास 12th की बात करें, अगर क्लास 12th की बात करें तो हाँ, क्लास 12th में हमारे एक्सपेक्टेशन से कम नंबर मिलता है, क्योंकि क्या होता है हम एज अ स्टूडेंट कुछ ऐसा अपने आप को बोस्ट कर लेते हैं कि नहीं मैं तो पूरी कॉपी भर के आया हूँ, मुझे पूरा नंबर मिलना चाहिए। तो यार कॉपी भरना कोई ये पूरे नंबर से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, याद कर लो। हम अगर नोटिस राइटिंग की बात करें, इंग्लिश में एक राइटिंग सेक्शन में नोटिस राइटिंग आता है, नोटिस राइटिंग में अगर आप 2 to 3 वर्ड एक्स्ट्रा लिख देते हो ना वहाँ पे आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली जितना पूछा है टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर देना है, यहाँ पे आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, और जो आप तक टेंशनाइज थे कि यार क्या होगा मेरा, क्या मैंने जितना एक्सपेक्ट किया है उतना आएगा कि नहीं आएगा, जितना मैंने किया है उतना मार्क्स मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पूरा डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मार्किंग स्कीम पर। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा।